देहरादून में श्री बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान के साथ 4:30 पर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बद्रीनाथ की पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री के नाम से की गई। इस अवसर पर मंदिर की भव्य सजावट की गई। कपाट बंद होने पर शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ के साथ विराजमान लक्ष्मी जी को गर्भगृह से बाहर लाकर लक्ष्मी मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया, जबकि कुबेर तथा उद्धव जी को गर्भगृह में भगवान के साथ में विराजमान कराया गया। बद्रीनाथ के कपाट खोलने के साथ ही प्रसादी का भी यहां पर वितरण किया गया। वहीं कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष कपाट खुलने के अवसर पर मात्र चंद लोगों ने ही अखंड ज्योति के दर्शन किए, जबकि बीते वर्षों में 15,000 से 25,000 लोग अखंड ज्योति के दर्शन करने आते हैं। मंदिर को पहले सैनिटाइज किया गया और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहां पर कराया गया। इस दौरान मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, राजगुरु सहित कुछ लोग ही इस अवसर पर मौजूद रहे। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल गए हैं। मैंने भगवान बद्री विशाल से समस्त विश्व के कल्याण की कामना की। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल जी के बारे में कहा गया है कि बद्रीनाथ विश्वात्मन विघ्नान नाशय में प्रभु तब कृपा प्रसाद देना, आयुम वर्धत में सदा, भक्तिम वर्धत में सदा, कीर्तिम वर्धत में सदा। भगवान बद्री विशाल जी को विघ्नों का नाश करने वाला कहा गया है। जो विघ्नों का नाश करे ऐसे भगवान हमारे भगवान बद्री विशाल हैं। आज भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल चुके हैं। भगवान अब 6 महीने तक अपने भक्तों को यहाँ दर्शन दिया करेंगे। आज जैसे कि आप सभी को पता है, भगवान बद्री विशाल जी के जब कपाट खुले हैं तो भगवान पर घृत कंबल का लेपन हुआ है। घृत कंबल जब उतारी जाएगी, घृत को जब भगवान बद्री विशाल जी से अलग किया जाएगा, तो भगवान का जब निर्वाण दर्शन होगा, तो भगवान का जो निर्वाण दर्शन है वह पापनाशक कहा गया है। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में है, दो भुजाएँ भगवान की ठाड़ी खड़ी हुई हैं और दो भुजाएँ भगवान